नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आईपीएल 2022 का आगाज होने वाला है, सभी टीमों ने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। खिलाड़ी पसीने बहा रहे हैं कि किस तरीके से टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा टीम मैनेजमेंट के लोगों ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, टीम को किस तरीके से एक बेहतरीन टीम बनाकर आईपीएल में उतारा जा सके, इसी की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 27 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। इससे पहले टीम के सभी लोग रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों को इसी के चलते एक स्पीच भी दी। अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी और सफल कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों से कहा कि वे एक दूसरे से परिवार की तरह बर्ताव करें। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग एक साथ परिवार की तरह रहेंगे तभी हम एक बेहतर टीम बनकर उभर पाएंगे। रिकी पोंटिंग ने कहा कि वह सभी खिलाड़ियों को, स्टाफ मेंबर्स को, टीम से जुड़े हर एक व्यक्ति को एक ही नज़रिए से देखते हैं। इसके अलावा रिकी पोंटिंग ने कहा कि सभी खिलाड़ियों अपने होटल के कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। मैं खुद ऐसा करने वाला हूं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी आपस में अच्छी तरीके से रह सकें, सभी की बॉन्डिंग बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमारी टीम आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, हमें इसी को आगे तक रखना है। हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम एक बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे और साथ ही आईपीएल में भी सफलता हासिल करेंगे। तो रिकी पोंटिंग ने टीम को अपना एक मूल मंत्र दे दिया है, अपनी गुरुवाणी से उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से साथ रहकर के टीम सफल हो सकती है। आप क्या कुछ सोचते हैं रिकी पोंटिंग की इस स्पीच के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स पाने के लिए वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।